हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं कि जो अकाउंटेंट हैं ईएमआरएस में, उन अकाउंटेंट्स की क्या ड्यूटी है, क्या उन्हें सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स में ही असिस्ट करने को रखा गया है, या जो नोटिस निकली है नेस्ट अथॉरिटीज द्वारा उसमें कुछ और वर्क भी हैं जो कि बताए गए हैं उनके बारे में, जो एक अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो करेंगे, या फिर कुछ ऐसे डेलीगेटेड वर्क्स भी हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एड एंड एडवाइस देने का भी काम है जो कि एक अकाउंटेंट परफॉर्म करेगा। तो आइए अकाउंटेंट से रिलेटेड जो हम कह सकते हैं जो नेसेसरी जानकारी है कि उनसे रिलेटेड जो वर्क है वो क्या है, और हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अकाउंटेंट क्या क्या वर्क परफॉर्म करेगा, या क्या क्या वर्क जो कि है एक अकाउंटेंट को परफॉर्म करना होगा ईएमआरएस में जब भी वो ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी फंक्शनल ईएमआरएस स्कूल्स को। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अकाउंटेंट को जो कि है पहले ही स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये जैसे मैंने आपको बताया था कि डिसीजन मेकिंग हेड है। तो जब भी हम प्रिंसिपल की बात करते हैं वो डिसीजन मेकिंग हेड है, और जब भी हम बात करते हैं सुपरवाइजरी हेड के बारे में, है ना, तो सुपरवाइजरी हेड यहाँ पे अकाउंटेंट को बोला जा रहा है। जो नेस्ट द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई है, जो नेस्ट द्वारा आप कह सकते हो नोटिस निकाली गई है, उस नोटिस में जो की है अकाउंटेंट को सुपरवाइजरी हेड बुलाया गया है। अब आप सबसे पहली चीज तो यही देखो कि इन्हें सुपरवाइजरी हेड क्यों बुलाया गया है। देखिए, हर डिपार्टमेंट के लिए जो की है लोगों को असाइन किया जा रहा है, हर पोस्ट के लिए जो की है वेरियस आप कह सकते हो सीट्स निकाले जा रहे हैं। तो हर जगह पे जो कि ये लोग हैं जो कि उस पर्टिकुलर या उस स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करेंगे, है ना, लेकिन उस स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इसे कौन चेक करेगा? इसे अकाउंटेंट ही चेक करेंगे। कैसे भाई? अब आप देखो, जो भी फाइल्स मेंटेन की जाएगी, जो भी ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑफिस का सेटअप होगा, वो कौन देखेगा? वो जो कि है ऑफ कोर्स अकाउंटेंट को ही देखना होगा। देखिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो कि है ऑफिस में बना रहे, ये भी जो कि देखना अकाउंटेंट का ही काम है, है ना। अगर कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो रहा है, डेलीगेशन ऑफ वर्क हो रहा है, तो इन सब की जानकारी जो कि अकाउंटेंट को भी होनी चाहिए। अकाउंटेंट के नॉलेज में भी ये सारी बातें आनी चाहिए। जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं लोग, वो जो कि है एक, अब मैंने बताया ना, सुपरवाइजरी अथॉरिटी की तरह जो कि अकाउंटेंट उन पे आप कह सकते हो चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के रखेगा उन वर्क के लिए, उन सारे वर्क्स पे, है ना। फिर आप देख सकते हो जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती है, सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को मेंटेन करके रखना सेपरेटली या सेग्रीगेट करके सारे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को अलग रखना, ये भी काम जो कि अकाउंटेंट का है। जो पर्सनल फाइल होंगे, जो स्कूल स्टाफ है, अब उनके पर्सनल फाइल होंगे कि उनका सर्विस बुक क्या कहता है उनके बारे में, कितनी छुट्टियां ले रखी है किसने, किसने ईएल ले रखा है, किसने ईओएल ले रखा है, किसकी होता है ना डिफरेंट डिफरेंट छुट्टियां है, किसने क्या ले रखी है, उन सब को भी जो कि मेंटेन करना काम अकाउंटेंट का है। इसके साथ साथ देखिए, अगर हम बात करेंगे जो सबमिशन ऑफ अकाउंट्स होते हैं, देखिए अगर आप देखोगे ऑडिट ऑब्जर्वेशन है ना, अगर आप ऑडिट ऑब्जर्वेशन की वर्क देखोगे, अगर आप अकाउंट्स रिलेटेड वर्क देखोगे, है ना, किसी आप कह सकते हो ऑडिट के कंप्लायंस रिलेटेड वर्क को देखोगे, तो इन सब को जो कि है, इन सब के प्रॉपर फंक्शनिंग को देखना जो कि है काम अकाउंटेंट का ही है। अब देखो, अगर आप ये बात करोगे कि टाइमली सबमिशन ऑफ अकाउंट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑडिट्स सही से बैठ रहे या नहीं बैठ रहे, जो ऑडिट्स का आप कह सकते हो मेंटेनेंस है वो सही से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, आप कह सकते हो कि अगर जरूरत पड़े तो प्रिंसिपल को भी किसी मैटर पे एड एंड एडवाइस करना। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे क्या वो एडवाइस दे सकते हैं, तो अकाउंटेंट्स जो कि अगर कोई फाइनेंशियल मैटर है वहां पे जो कि है वो प्रिंसिपल को एडवाइस देने का भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर स्टॉक को मेंटेन करने का काम है, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक है ना, या फिर अकाउंट्स रजिस्टर है, कहाँ पे क्या खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कौन से मटेरियल को मंगाया जा रहा है, किस चीज पे जो कि कितना एक्सपेंडिचर बैठ रहा है, ये सब मेंटेन करना जो कि काम एक अकाउंटेंट का ही होता है। इसके साथ साथ
जो प्रॉपर प्रोसीजर है किसी चीज को अगर परचेज करना है ना, या फिर अगर कुछ हम परचेज करके ला रहे हैं तो उन सबका एक प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रखना भी काम अकाउंटेंट का ही होता है। एक प्रॉपर सिक्योरिटी स्कूल में बन रही है या नहीं बन रही है, और अगर बनी हुई है तो वो बनी रहे, ये सब इंश्योर करना भी अकाउंटेंट का काम है। अकाउंटेंट ये भी देखेगा कि जहां पे हमें जरूरत है, अगर हमें कुछ परचेज करना है तो क्या हमें वहां पे बल्क में परचेज करने की जरूरत है या नहीं है। कुछ स्टेशनरी आइटम खरीदना है, हम सब जानते हैं ये रेसिडेंशियल स्कूल है, बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी आइटम खरीदना है, क्या हमें इसे बल्क में परचेज करना चाहिए या हमें इसे लिमिटेड अमाउंट में ही परचेज करना है, ये सब डिसीजन लेना अकाउंटेंट का ही काम है। इसके साथ साथ अगर आप देखो जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स होते हैं है ना, हर 3 महीने पे जो रिपोर्ट्स बनते हैं, उन सारे रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने में, देखिए वो सारे रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने का काम तो प्रिंसिपल का है ना। क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो बनते हैं उन सब पे जो कि फाइनली सिग्नेचर प्रिंसिपल का ही जाता है, लेकिन प्रिंसिपल को असिस्ट कर सकते हैं अकाउंटेंट्स उन क्वार्टरली रिपोर्ट्स को बनाने में। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप बात करोगे कि अगर स्कूल में, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ आइटम्स परचेज किया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर स्टोर फिक्स कर दिया गया है, उसके परचेज के लिए कितना एक्सपेंडिचर बैठेगा आप कह सकते हो स्टेशनरी मटेरियल पे, है ना, ये सब डिसाइड करना जो कि काम अकाउंटेंट का है। सुपरवाइज करते रहना, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन रखना, है ना, ये सब सारा काम जो कि अकाउंटेंट का ही होता है। प्रोसीजरल रेगुलरिटीज बनी रहे, कहीं कोई इररेगुलरिटी ना आ जाए। सपोज अगर आप हर महीने के अंत में आप कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी का सामान खरीद के लाते हो, तो आप अगर पिछले महीने के अंत में लाए हो तो इस महीने के भी अंत में ही ला रहे हो, ऐसा नहीं हो कि ये पूरा महीना बीत गया और अब आप अगले महीने के बीच में ला रहे हो, जिससे कि असुविधाएं इरप्ट हो रही है स्कूल में, ऐसा कुछ ना होने पाए, ये सब भी देखना काम जो कि अकाउंटेंट का ही होता है। जितने भी रजिस्टर्स हैं, जो रेलिवेंट रजिस्टर्स हैं, वो सब मेंटेन करना काम अकाउंटेंट का है। इसके साथ साथ देखिए, जो सर्विस बुक होते हैं, पर्सनल फाइल्स होते हैं, ये सब अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्कूल बजट, अब भाई जो स्कूल का खर्च है एग्जैक्ट वो खर्च कितना बैठना चाहिए, ये सब जो की है मेंटेन करना काम अकाउंटेंट का है। देखिए, एक होता है स्कूल का मंथली खर्च और एक है एनुअल खर्च, ये सबको सेग्रीगेट करना, यानी बांट करके सही तरह से आप कह सकते हो मेंटेन करके चलना कि हाँ इतना हमारा खर्च बैठ रहा है, इसमें से हम ये जो कि है इतना अमाउंट जो कि है टोटल इतना हमारा एक्सपेंडिचर बैठेगा, इतने हमारे पास फंड्स है, इनमें से जो कि है इतना हम मंथली बेसिस पे खर्च करेंगे, तो ये सब जो कि है देखना काम अकाउंटेंट का ही है। जो भी रिटर्न सबमिशन है रिटर्न्स का सबमिशन होना है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो जो भी रिटर्न्स का सबमिशन होना है, देखिए वहां पे भी जो की है आप कह सकते हो कि टाइमली रिटर्न्स का सबमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब जो कि देखना काम अकाउंटेंट का ही है। इसके सिवा अगर कोई और ड्यूटी असाइन कर दी जाती है अकाउंटेंट को प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल द्वारा, तो वो भी जो कि है पूरा करना काम अकाउंटेंट का है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि है अकाउंटेंट की है, जो कि उन्हें परफॉर्म करनी होगी जैसे ही वो रिपोर्ट करते हैं और जैसे ही वो ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी फंक्शनल EMR से स्कूल को। तो देखिए, नेस्ट वालों ने ये बहुत अच्छी एक प्रक्रिया निकाली है, जिसमें कि वो ना सिर्फ पावर्स के बारे में, हर कोई जान रहा है कि मैं अकाउंटेंट हूँ मेरे पास ये पावर्स है, लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी, पावर्स के साथ साथ जो की है उनकी क्या ड्यूटीज है, इससे भी जो की है नेस्ट उन्हें अवगत शुरुआत में ही करवा दे रहा है, इससे भी जो की है नेस्ट उन्हें रूबरू शुरुआत में ही करवा दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, जिसके लिए कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी मिसमैनेजमेंट इरप्ट नहीं होगा, लोगों को पता रहेगा कि मेरे पास ये पावर है लेकिन इन पावर्स के साथ साथ मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां भी हैं जो मुझे परफॉर्म करनी ही करनी है, ताकि कभी भी लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि आपने ये काम नहीं किया और आपने ये काम नहीं किया, और एक प्रॉपर आप कह सकते हो मैनेजमेंट बना रहेगा, जिससे कि प्रॉपर फंक्शनिंग में जो कि है EMR स्कूल्स चलते रहेंगे, ना बच्चों को, ना स्टाफ को, ना किसी भी और दूसरे मेंबर को कभी भी जो कि किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
तो आप देखो कि ये बहुत अच्छा एक मेथड है आई वुड से नेस्ट का, जिससे कि वो लोगों को अवगत करा रहे हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उनके ड्यूटीज से। आई होप कि ये जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, जिसके साथ साथ क्या ड्यूटीज असाइन किए गए हैं, ये मैंने अपने वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। प्लीज़ प्लीज़ स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।